चैत्र वासंतिक नवरात्रि के शुभ आगमन पर माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेड़वा गोरखनाथ गोरखपुर द्वारा शनिवार को एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा माता मातेश्वरी सेवा दरबार ओवरब्रिज धर्मशाला यातायात चौक गोलघर शास्त्री चौक होते हुए राजघाट स्थित राप्ती नदी तट पर पहुंची, जहां पर माता आदिशक्ति व गंगा माता की पूजा अर्चन के उपरांत कलश में जल भरकर तत्पश्चात कलश यात्रा उपरोक्त मार्ग से वापस माता मातेश्वरी सेवा दरबार पहुंची, जिसके उपरांत कलश की स्थापना की गई। कलश यात्रा में अजय कुमार श्रीवास्तव, राजदेव जायसवाल, आचार्य सुनील, गणेश शर्मा, फूलचंद शर्मा, अरुण कुमार त्रिपाठी, रंजीत कुशवाहा सहित अनेकों भक्तगण शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए माता मातेश्वरी सेवा दरबार के मीडिया प्रभारी आलोक राय ने कहा, आलोक राय मीडिया प्रभारी। माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेड़वा में चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व पे 10 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें आज प्रथम दिन या भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा पचपेड़वा दरबार से निकल करके राजघाट राप्ती तट जाएगी और कलश स्थापना के बाद पुनः आकर के पचपेड़वा दरबार में कलश की स्थापना होगी। उसके बाद अनवरत 10 दिनों तक मातेश्वरी महायज्ञ, शक्ति लीला, कन्या पूजन एवं श्रीमद् देवी भागवत कथा एवं श्री रामलीला मंचन चलेगा। इन सभी कार्यक्रमों का औचित्य यही है कि हमारे समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करना और समाज की जो तमाम अवगुण हैं, जो तमाम विकार हैं, उन सारे विकारों को दूर करते हुए समाज को अध्यात्म की ओर लाने का एक प्रयास है। और ये प्रयास है माता मातेश्वरी सेवा दरबार के पूरे कार्यकारिणी का कि हमारे समाज में जितना हो सके सभी को धर्म से जुड़ना चाहिए, ताकि अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन की जो तमाम विघ्न बाधाएं हैं, भाग दौड़ की जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे हमारी समस्याएं दूर होंगी। और जितना भी हम भगवान के प्रति, जिस भी देवी देवता को आप मानते हों, उनके प्रति जितना भी आप समर्पण होंगे, उतना ही आपके अंदर आत्मबल आएगा और आत्मबल आने से ही मानव का जीवन सुदृढ़ होता है। जय माता दी।